ये राय है कि अरविंद केजरीवाल किसी सूरत में अपना पद ना छोड़े। रामनिवास गोयल को सुनिए। बिल्कुल समर्थन के लिए पहुंचे, केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने आए हैं, इसका विरोध करने के लिए पहुंचे। लग रहा है गिरफ्तार किया जाएगा उनको, कर सकते हैं। जितनी बड़ी फोर्स से आए हैं, जितनी बड़ी फोर्स लेकर के आए हैं, इससे क्या अंदाजा लगाया? ईडी को पूछताछ करनी होती, दो चार आदमी आते बात करते हैं उनसे। ये सर्वविदित है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, कुछ नहीं मिला, 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया अब तक। अब केजरीवाल जी को ले लें, क्यों? डर ये है इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए, इसके लिए गिरफ्तार करना। कोई इस्तीफा नहीं देंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे। तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष साफ कह रहे हैं बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल अब, लेकिन अगर गिरफ्तारी होती है उसके बाद दिल्ली की सरकार वो कैसे चलाएंगे जेल से, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न रहेगा। देखिए कार्यकर्ता बाहर मौजूद हैं इस वक्त, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी हो रही है, सड़क पर बैठ गए कार्यकर्ता, नारे लगा रहे हैं। और आप इधर पुलिस का बंदोबस्त देखिएगा, पुलिस का जमावड़ा आप देखिएगा, दिल्ली पुलिस के कई सीनियर ऑफिशियल्स इस वक्त बाहर मौजूद हैं, ईडी की टीम अंदर गई हुई है, ईडी के एडिशनल डायरेक्टर पूछताछ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, उनका फोन, उनके और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लिए गए हैं उनसे, और सभी संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है किसी भी वक्त। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि ये भी हो सकता है ईडी गिरफ्तार करने से पहले उनको अपने मुख्यालय ले जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सारी कोशिश यही है कि जो पूछताछ हो उनसे उनके घर पर ही की जाए। अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट दिया है, वही हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कैसे अगर गिरफ्तारी होती है तो जेल में जाने के बाद कैसे मुख्यमंत्री रहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं और दिल्ली की जनता के बेटे हैं और मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे और हमेशा रहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं और इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। अच्छा, पार्टी कौन हेड करेगा, पार्टी का मुखिया कौन होगा? केजरीवाल जी। केजरीवाल उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे? नहीं, कोई बदलाव नहीं। तो दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को सुना आपने, ये कह रहे हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो अरविंद केजरीवाल चाहे जेल में हो लेकिन मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे, पार्टी के चीफ वही बने रहेंगे। ये अब एक एक करके सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे पार्षद आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, भारी तादाद में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। सबको ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को आज ईडी जरूर गिरफ्तार करने वाली है। आज जिस तरीके से हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को स्वीकार नहीं किया, अरविंद केजरीवाल को कोई राहत